क्या आपने देखा कि अभिधारणाएं 1 से 4 इतनी सरल और स्पष्ट है कि उन्हें स्वयं सिद्ध सत्य के रूप में मान लिया जाता है, लेकिन इनकी तुलना में अभिधारणा 5 कुछ अधिक जटिल है। इसीलिए हम अभिधारणा 5 को और अच्छे से समझने के लिए इसका एक समतुल्य रूपांतरण पढ़ेंगे। इस अभिधारणा के अनेक समतुल्य रूपांतरण है। इनमें से सबसे आसान है प्लेफेयर का अभिग्रहित, जो कहता है कि प्रत्येक रेखा L और उस पर न स्थित प्रत्येक बिंदु P के लिए एक अद्वितीय रेखा M ऐसी होती है जो P से होकर जाती है और L के समांतर है। आइए इसे स्पष्ट रूप से समझते हैं। यदि L एक रेखा है और P कोई एक बिंदु है जो L पर स्थित नहीं है, तो हम बिंदु P से होकर केवल एक रेखा खींच सकते हैं जो L के समानांतर होगी। अब आइए उपरोक्त कथन का खंडन करने का प्रयास करते हैं। L के समांतर और रेखाएं खींचने का प्रयास करें। हम देख सकते हैं कि इनमें से कोई भी रेखा M को छोड़कर रेखा L के समांतर नहीं है। अतः प्लेफेयर अभिग्रहित कहता है कि प्रत्येक रेखा L और उस पर न स्थित प्रत्येक बिंदु P के लिए एक अद्वितीय रेखा M ऐसी होती है जो P से होकर जाती है और L के समांतर है। कृपया करके आप इसे अपनी कॉपी में लिख लें।